हेलो दोस्तों, आज हम इंसीडियस चैप्टर वन मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि 2010 में आई थी। यह एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है जिसके अंदर एक पिता के बेटे की आत्मा दूसरी आत्माओं की दुनिया में गुम हो जाती है और वो पिता अपने बेटे की आत्मा ढूंढने के लिए आत्माओं की दुनिया में जाता है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स वान ने और इस मूवी की IMDb पर रेटिंग 6.8/10 है। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी की स्टार्टिंग लैबर्ट फैमिली को दिखाते हुए होती है जो कि अभी अभी अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। इस फैमिली के अंदर 5 लोग होते हैं जिसमें जॉस और रेने कपल होते हैं और उनका बेटा डॉल्टन और फॉस्टर होता है और इनकी एक छोटी सी बेबी केली होती है। रेने अपने घर के सामान को अनपैक कर रही होती है और वो कुछ किताबों को एक जगह पर रखती है लेकिन उन किताबों को कोई नीचे गिरा देता है तो उसे लगता है कि ये सब उनके बेटे का काम होगा और वो जाकर पूछती है तो दोनों बेटे में से किसी ने भी उस किताब को हाथ तक नहीं लगाया होता है। इसके बाद डाल्टन सीढ़ियों के पास बैठकर खेल रहा होता है तो वहां पर ऊपर एटी के दरवाजा अपने आप ही खुलता है तो डाल्टन उसके अंदर जाने लगता है और वो धीरे धीरे एटी के ऊपर पहुंच जाता है जहाँ पर वो लाइट जलाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ता है। तभी सीढ़ी टूट जाती है जिसके बाद वो नीचे गिर जाता है तो उसे फिर वहां पर एक लाल दरवाजा दिखता है जिसके अंदर से उसे कुछ लोग बाहर निकलते हुए दिखते हैं जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज सुनकर उसके माता पिता ऊपर आते हैं और देखते हैं कि डॉल्टन को थोड़ी बहुत चोट लग गई है और यहाँ पर डॉल्टन किसी को कुछ भी नहीं बताता है। फिर सभी लोग उसे लेकर उसके कमरे में जाते हैं और उसे ऊपर जाने के लिए मना करते हैं। उसी रात को डॉल्टन अपने रूम में सो रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके खिड़की पे किसी डीमन का साया दिखता है। अगली सुबह सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो जॉस डॉल्टन को जगाने के लिए ऊपर आता है लेकिन डॉल्टन नहीं जाग पाता है तो उसे लेकर तुरंत ही लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहां पर डॉक्टर का कहना होता है कि डॉल्टन का रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल है फिर भी वो कोमा के स्टेज में है और डॉक्टर को यहां पर कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर डॉल्टन के साथ हुआ क्या है। इसके बाद डॉल्टन का 3 महीने तक इलाज चलता है लेकिन डॉल्टन के शरीर में कुछ भी सुधार नहीं होता है तो इसलिए डॉल्टन को सभी लोग लेकर घर चले आते हैं और घर पर ही उसका इलाज चल रहा होता है। अगले सीन में रेने अपना सिंगिंग प्रैक्टिस कर रही होती है तभी उसके बेबी मॉनिटर पर किसी की आवाज़ सुनाई देने लगती है जिससे वो डरकर केली के कमरे में जाती है और देखती है कि केली रो रही है और ऐसा लगता है कि केली को किसी ने खूब डरा दिया हो। रात को फॉस्टर अपने कमरे में सो रहा होता है तो उसे डाल्टन के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है क्योंकि उसका कमरा ठीक डाल्टन के सामने होता है। फिर वो अपने कमरे का दरवाजा जाके बंद कर देता है तो उसे कुछ कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है तो वह डरकर अपने बेड पे चला जाता है। इसी रात को उनके दरवाजे पे कोई नॉक करता है तो जॉस जाकर दरवाजा खोलता है और देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है और वो फिर दरवाजा बंद करके अलार्म को एक्टिवेट कर देता है। तभी केली रोने लगती है तो उसके पास रेने जाती है और वो देखती है कि वहां पर पर्दे के पीछे कोई खड़ा है जिससे वो डर जाती है और जोर से चिल्लाती है और जैसे ही वहां पर जॉस पहुंचता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता है। तभी इनके घर का अलार्म जोर से बजने लगता है तो जॉस जाकर देखता है तो दरवाजा खुला हुआ होता है मतलब यह है कि कोई अंदर आ गया है। फिर वह एक रॉड लेकर पूरे घर की तलाशी करने लगता है लेकिन उसके पूरे घर में कोई भी नहीं मिलता है। फिर वह जाकर दरवाजा बंद कर देता है। अगले दिन रेने डाल्टन के चादर को बदलने जाती है और देखती है कि चादर पर किसी के पंजों के निशान है जो कि ह्यूमन ब्लड से बना हुआ होता है। उसी रात को जॉस घर पर काफी लेट आता है तो रेने उसे बताती है कि यह घर उसे हॉन्टेड लग रहा है और उसे यहाँ पर काफी ज्यादा डर भी लग रहा है लेकिन जॉस उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है यह सब उसका बहम हो सकता है। तो रेने उसे वही चादर देकर कहती है कि इसे भी संभालो तुम ही। उसी रात को डाल्टन अपने कमरे में सो रहा होता है तभी उसकी खिड़की पे किसी डीमन का हाथ दिखता है लेकिन यह सब रेने का एक नाइटमेयर होता है जिससे वह डर कर जाग जाती है। तभी उसके दरवाजे के पीछे कोई इंसान चलने लगता है और वह एक डीमन होता है जो कि धीरे धीरे उसके कमरे के अंदर चला आता है और रेने को मारने के लिए उस पर अटैक कर देता है जिससे रेने काफी ज्यादा डर जाती है और जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर तुरंत ही उसके पास जॉस आता है पर वहां पर कोई भी नहीं होता है। इतना होने के बाद सभी लोगों को लगता है कि यह घर हॉन्टेड है इसलिए सभी लोग इस घर को छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं जहां पर जॉस की मां लॉरेन भी आती है जो कि इनके घर के सामान को शिफ्ट करवाने में इनकी हेल्प करती है।
फिर रेने कचरा डालने के लिए बाहर जाती है और वो घर में देखती है तो उसके अपने ही घर में कोई बच्चा डांस कर रहा होता है और रेने उसका पीछा करते करते डॉक्टर के कमरे में पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता है। तभी वही लड़का कबर्ड के अंदर से निकलकर उसके सामने से ही भाग जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। अगले सीन में लॉरेन उनके घर पर आती है और वो बताती है कि वो रात को एक सपना देखी जिसमें वो इस घर में आई होती है और रात भी काफी ज्यादा हो गई होती है। फिर वो डॉक्टर के कमरे में जाती है जहाँ पर डॉक्टर के पास कोई और भी होता है और लॉरेन उससे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए, तो वो डॉक्टर की तरफ इशारा करता है। तभी लॉरेन को जॉस के पीछे एक लाल चेहरे वाला डीमन दिखता है जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी डॉक्टर के कमरे से आवाज आने लगती है और सभी लोग जाकर देखते हैं तो डॉक्टर के कमरे का सारा सामान तहस नहस किया गया है और डॉक्टर को किसी ने नीचे फर्श पर गिरा दिया है, जिसे देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तो सभी लोग तुरंत ही एलिस को बुलाते हैं जो कि एक पैरानॉर्मल विजिटर होती है। वो दूसरी आत्माओं की दुनिया से कनेक्ट करके उनसे बात कर सकती है और उसके साथ स्पेस और टक्कर भी होते हैं। एलिस घर के अंदर जाती है जहाँ पर उसे कुछ महसूस होने लगता है। फिर वो डाल्टन के रूम में जाती है तो उसे सीलिंग पर कुछ चिपका हुआ दिखता है जिसे स्पेस ड्रॉ करने लगता है और वह एक डीमन की तस्वीर होती है और ऐसे ही तस्वीर डाल्टन ने कोमा में जाने से पहले बनाया था। और छानबीन करने के बाद एलिस इस परिवार को बताती है कि डाल्टन कोमा में नहीं है बल्कि उसकी आत्मा आत्माओं की दुनिया में फंस गई है और डाल्टन के पास बचपन से ही एक अनोखी शक्ति थी जिससे वह आत्माओं की दुनिया में घूम सकता था, लेकिन वह इस बार घूमते घूमते काफी दूर चला गया है और वो रास्ता भटक गया है जिसके वजह से वह किसी फर्दर नामक जगह पे फंस गया है जहाँ पर कुछ मरे हुए लोगों की बुरी आत्माएं होती है और वह आत्माएं डाल्टन के शरीर के माध्यम से इस दुनिया में प्रवेश करना चाहती है। लेकिन इन सब बातों पर जॉस को विश्वास नहीं होता है और वो उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर जॉस डाल्टन के पास जाता है और डाल्टन से बात करता है, अगर वो उसकी बात सुन रहा है तो वो उसे कुछ इशारा दे। तभी डाल्टन उसे इशारा देने के लिए अपनी पेंटिंग गिराता है जिसमें एक डीमन की पेंटिंग होती है। तो जॉस एलिस को फिर से बुलाता है तो एलिस एक सांचे नामक प्रक्रिया शुरू करती है और डाल्टन की आत्मा से बात करने की कोशिश करने लगती है। थोड़ी देर बाद ही डाल्टन उन्हें जवाब देने लगता है। तभी उन्हें एक डीमन परेशान करने लगता है और वो डाल्टन के शरीर का इस्तेमाल करके सभी को मारने लगता है। तो एलिस तुरंत ही उस प्रक्रिया को रोक देती है। फिर एलिस बताती है कि जॉस भी इन सब घटनाओं से गुजर चुका है जो कि 8 साल का था और उसके पीछे एक बूढ़ी औरत की आत्मा पड़ी थी। तब एलिस ने लॉरेन के साथ मिलकर उसकी मदद की और डाल्टन की तरह जॉस भी आत्माओं की दुनिया में घूम सकता है और इनके पास एक ही रास्ता बचा होता है कि जॉस उस दुनिया में जाकर डाल्टन को बचाकर ले आए, जिसके लिए जॉस तैयार हो जाता है। फिर एलिस उसे सम्मोहित करके उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर देती है। तो जॉस अपने पुराने वाले घर में होता है जहाँ पर वो उसी एटिक वाले कमरे के अंदर जाता है जहाँ पर उसे एक लाल दरवाजा दिखता है। जैसे ही जॉस उस दरवाजे के पास जाता है तभी उस पर एक डीमन अटैक कर देता है। तो एलिस उसे हौसला देती है कि वो तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, तुम उसका सामना कर सकते हो। फिर जॉस उसे एक पंच मारता है जिसके बाद वो डीमन अंधेरे में गायब हो जाता है। फिर वो उस दरवाजे के अंदर जाता है जहाँ पर उसे डाल्टन मिलता है, लेकिन डाल्टन को जंजीर से बंधा हुआ होता है। तो जॉस उसे खोलता है तभी उन पर एक लाल चेहरे वाला डीमन अटैक कर देता है और वो डीमन बहुत ही ताकतवर होता है, लेकिन जॉस उससे बचता है और किसी तरह उस लाल दरवाजे से बाहर निकल जाता है। वह आगे जाकर अंधेरे में फंस जाता है जहाँ पर बहुत सारी बुरी आत्माएं होती है जो कि उनका रास्ता रोकने लगती है। तभी उन्हें रेने की आवाज सुनाई देने लगती है तो जॉस डाल्टन से कहता है कि वह उस आवाज को फॉलो करके यहाँ से जाए और वह खुद ही उन आत्माओं का सामना करने के लिए यहीं पर रुक जाता है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत की आत्मा दिखाई देती है और वह सोच में पड़ जाता है, कहीं ये वही बूढ़ी औरत तो नहीं है जो कि उसे बचपन में पोजेस्ट करने के लिए पीछे पड़ी थी। तो जॉस उस पर चिल्लाने लगता है और वो कहता है कि वह उससे नहीं डरता है और वह उस आत्मा को अपने परिवार से दूर रहने के लिए कहता है, जिसके बाद वो डीमन अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। इसके बाद डाल्टन और जॉस अपने अपने शरीर में वापस आ जाते हैं और वो खुद को अपने नए घर में पाते हैं और सभी यहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर एलिस अपना सामान पैक कर रही होती है तो जॉस उसे अपनी वही 8 साल वाली फोटो देता है और कहता है कि इसकी जरूरत आपको है, मुझे नहीं है। तो एलिस उस फोटो को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और देखती है कि जॉस की हथेली एक बूढ़ी औरत की तरह गंदी दिख रही है। तो एलिस को उस पर शक हो जाता है और
और वो चुपके से उसकी फोटो खींचती है। तो जॉस को ये बात पसंद नहीं आती है और उस पे भड़कने लगता है और वो काफी ज्यादा वायलेंट भी हो जाता है, यहाँ तक कि वह एलिस का गला दबाकर उसे जान से मार देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर रेने आती है और वो देखती है कि एलिस मर चुकी है, जिससे वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो जॉस को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर वहाँ पर पड़े कैमरे पर जाती है, जिसे वो उठाकर देखती है और उस कमरे के अंदर जॉस की तस्वीर नहीं होती है, बल्कि वही बूढ़ी औरत की आत्मा की तस्वीर होती है जो कि जॉस को बचपन से ही पोजेस करना चाहती थी। मतलब साफ होता है कि जॉस के शरीर में अब उसी बूढ़ी औरत की आत्मा है। तभी जॉस रेने के कंधे पर हाथ रखता है, जिससे रेने काफी ज्यादा डर जाती है और जैसे ही रेने पीछे मुड़ती है, ठीक उसी समय मूवी की एंडिंग हो जाती है। और इसके आगे क्या होता है, इसके बारे में हमें तो इंसिडेंट चैप्टर 2 में ही पता चलेगा। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर ले, ताकि आने वाले अगले पार्ट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाएं। मिलते हैं इस मूवी के अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।